इतवारी बालाघाट सीधी पैसेंजर ट्रेन शुरू। पहले दिन 3 घंटे देर से स्टेशन पहुंची गाड़ी। सोमवार को बालाघाट नागपुर सीधी रेल सेवा से जिला जुड़ गया। पहले ही दिन ट्रेन 3 घंटा विलंब से पहुंची। जिस ट्रेन को बालाघाट स्टेशन पर दोपहर 3:05 पहुंचना था, देर शाम 6:04 पहुंची। स्टेशन प्रबंधक सुधीर वाजपेयी ने बताया कि गोंदिया में ट्रेनों का रश ज्यादा होने से लाइन क्लियर में हुई देरी के कारण ट्रेन लेट पहुंची, जो प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर ही आएगी। बालाघाट में 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद वह गोंदिया के लिए रवाना होगी। कोविड-19 के चलते बंद की गई लोकल ट्रेनों का परिचालन 24 अप्रैल से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर विभाग की ओर से शुरू किया गया। इसमें इतवारी बालाघाट भी शामिल है। विगत लंबे समय से बालाघाट वासियों को बालाघाट से नागपुर तक सीधी रेल सेवा का इंतजार था, जिसकी शुरुआत नागपुर इतवारी ट्रेन से हो गई है। कोरोना के बाद रिस्टोर की गई इतवारी नागपुर ट्रेन 24 अप्रैल को ट्रैक पर दौड़ते हुए फिर नजर आई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर विभाग ने जारी आदेश के अनुसार ट्रेन क्रमांक 08714 इतवारी से बालाघाट और 08715 बालाघाट से इतवारी मेमो पैसेंजर ट्रेन प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर ही चलेगी, जिसमें इतवारी बालाघाट स्पेशल मेमो ट्रेन प्रातः 10:40 नागपुर से इतवारी स्टेशन से रवाना होगी। कलमना, कामठी, कन्हान, सालवा, चाचेर, तारसा, रेवराल, खात, भंडारा, कोका, तुमसर रोड, मुंडीकोटा, तिरोड़ी, काचेवानी, गंगेजरी होते हुए 2:04 पे गोंदिया पहुंचेगी, जहां से 5 मिनट बाद रवाना होकर नगरधाम, प्रतापबाग, गात्रा, बिरसोला, खारा, हट्टा, कन्नड़गांव होते हुए 3:05 पर बालाघाट स्टेशन पहुंचेगी। 10 मिनट बाद 3:15 पर बालाघाट स्टेशन से रवाना होकर 4:15 पर गोंदिया और 6:30 पर नागपुर के इतवारी स्टेशन पहुंचेगी, जिसमें रात नागपुर से आगे की यात्रा के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी आसान हो गई है।